भारत टीवी की इस खास पेशकश सुंदरख्वास की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज बात होगी चुनाव के बारे में, क्योंकि लगातार जितने भी मेवात के नेता हैं, सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, जिला पार्षद पद के उम्मीदवार हैं या फिर ब्लॉक समिति के उम्मीदवार हैं, वो सारे लोग इस बात का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब सरकार इस बात की घोषणा करेगी कि जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर के दुष्यंत चौटाला का स्टेटमेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आया है। उन्होंने कहा है कि फरवरी के लास्ट हफ्ते में चुनाव हो जाएंगे और लगातार इसको लेकर के चर्चाएं जारी हैं। जैसा भी होता है जल्दी ही इसके बारे में घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि जितने भी तैयारियां हैं वो बड़ी ही जोरों शोरों के साथ चल रही हैं। वैसे अगर कैंडिडेटों की बातें करें वो लगातार इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही इस बात की घोषणा हो जाएगी कि भाई अब आने वाले समय में चुनाव एकदम सर पर हैं, या फिर चुनाव की डेट क्या होगी, क्या तिथि होगी, उसको लेकर के सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अब ये इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि खुद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस बात को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्दी ही इस बात की घोषणा कर दी जाएगी कि आखिरकार चुनाव कब होंगे। आखिरकार इसको लेकर क्या कहते हैं दुष्यंत चौटाला साहब, आइए सबसे पहले वो सुनाते हैं। तो आपने निरंतर बोला है ऑन टाइम पंचायत इलेक्शन हम पंचायत के नहीं करवाएंगे और उसकी ड्यू डेट मेरे ख्याल से तो आखिरी सप्ताह फरवरी के लिए प्रदेश की तरफ से स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी लिख के दे दिया गया है और जल्द जो नई पंचायतें हैं उसकी नोटिफिकेशन भी हम जारी करेंगे। तो दुष्यंत चौटाला साहब की बातें आप लोगों ने सुन ही ली होंगी। उन्होंने कहा है कि हम लोग पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि आने वाली फरवरी के लास्ट हफ्ते तक हो सकता है चुनाव हो जाए और इसको लेकर के लगातार तैयारियां जारी हैं। जल्दी ही जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से चुनाव की घोषणा हो जाए और हम लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दें, तो अब वो लोग देर ना लगाएं, लगातार अपनी तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू कर दें और जल्दी ही आप लोग के जो बीच जंग छिड़ने वाली है, चुनावी जंग, वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। तो इस बात का इंतजार मेवात के जितने भी उम्मीदवार हैं, जितने भी नेता हैं, वो बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे, लेकिन बहुत जल्द उनका ये इंतजार खत्म होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।